हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पर्यटन के बारे में। बात करते हैं आज हम लोग इसके सभी पक्षों के बारे में, फिर चाहे बाजार का आकार हो, निवेश का हो, रुकावटें हो इस क्षेत्र में, सरकारी पहल हो, उपलब्धियाँ हो, चाहे फिर आगे का जो रास्ता है, उपाय हैं वो, ठीक है, सभी पक्ष देखेंगे हम लोग। तो इस संदर्भ में चर्चा में क्यों है? जैसा कि आपको पता होगा, पर्यटन प्रोत्साहन के लिए सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितने? 2500 करोड़ रुपए। ठीक, भारतीय पर्यटन और अतिथि उद्योग भारत में सेवा क्षेत्र के भी विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में उभरा है। भारत में पर्यटन समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, पारिस्थितिकी में विविधता, इलाकों और देश भर में फैले प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के अतिरिक्त एक संभावित बड़े रोजगार को उत्पन्न भी करता है। जनवरी से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान विदेशी आगम यानी कि 26.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो साल दर साल 3.7% की वृद्धि दर रहा था। ठीक, याद रखिए कितना बड़ा बाजार है पर्यटन का, याद रखिए 26.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जनवरी 2019 से नवंबर 2019 तक। ठीक, दर हर साल 3.7% वृद्धि की दर्ज कर रहा है। ठीक, WTTC विश्व यात्रा पर्यटन परिषद के अनुसार भारत 2018 में जीडीपी में यात्रा और पर्यटन के कुल योगदान मामलों में 185 देशों में तीसरे स्थान पर था। याद रखना, कुल 185 में कितने में? तीसरे स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित यात्रा और पर्यटन वित्तीय स्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 में भारत को 34वां स्थान मिला है। ठीक, याद रखना 34वां। अब बाजार का आकार की बात करें हम लोग, भारत डिजिटल नियोजन बुकिंग और यात्रा का अनुभव करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरणों के मामले में सबसे डिजिटल रूप से उन्नत राष्ट्र है। भारत के बढ़ते मध्य वर्ग को बढ़ती डिस्पोजेबल आय ने घरेलू व बाह्य पर्यटन विकास को गति प्रदान की है। 2018 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन 10.56 मिलियन था, जो जनवरी से नवंबर 2019 के दौरान साल दर साल 5.20% की वृद्धि दर प्राप्त कर रहा था। ठीक, जनवरी से नवंबर 2019 के दौरान ई टूरिस्ट वीजा पर कुल 25,51,211 पर्यटक आए, जिसमें से 23.8% की वृद्धि दर्ज की गई। जिसमें, ठीक है, भारत में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 2017 में देश में उत्पन्न कुल रोजगार के अवसर का 8% हिस्सा था। किसका? पर्यटन क्षेत्र का। उसी वर्ष के दौरान लगभग 41.6 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया भारत में पर्यटन क्षेत्र से। ठीक है, 2028 तक यह संख्या 2% वार्षिक बढ़कर 52.3 मिलियन हो जाएगी। ठीक, अंतरराष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है तथा यह भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 2020 तक लगभग 47% हिस्सा और 2022 तक 50% हिस्सा होगा। अब बात करते हैं निवेश, क्या निवेश के बारे में। भारत 2018 में 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश के साथ यात्रा और पर्यटन में निवेश के मामले में वैश्विक रूप से तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय निवेश है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जागरण आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 सन 2000 से जून 2019 की अवधि के दौरान होटल और पर्यटन क्षेत्र में FDI के लगभग 12.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। इस क्षेत्र में रुकावटें क्या हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। प्रवेश और निकास।
ई वीजा सुविधा के आरंभ के उपरांत भी आगंतुक वीजा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बोझिल मानते हैं। इसके अतिरिक्त ई वीजा सुविधा के विषय में लोगों में जागरूकता कम है। इसके साथ ही चिकित्सा ई वीजा धारकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बार बार आने के लिए वीजा सीमित संख्या प्रदत्त होते हैं। इसके साथ ही रोगी के सहायक हेतु ई वीजा की प्रक्रिया बोझिल है। फिर आपका दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तथा कुछ विरासत स्थलों के लिए कनेक्टिविटी की कमी पर्यटक यात्रा अपर्याप्त यात्रा का कारण बनता है। जैसे कहीं कनेक्टिविटी मतलब साधन वहां तक नहीं पहुंचना, कई विरासत स्थलों तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, आपका पर्यटन क्षेत्र या सर्किट। भारत में विभिन्न पर्यटक स्थल हैं, परंतु मात्रा कुछ ही सर्किट जैसे स्वर्ण त्रिभुज, दिल्ली, आगरा, जयपुर उपलब्ध हैं। फिर प्रचार और विपणन, यद्यपि इसमें वृद्धि हो रही है, परंतु यह मात्र ऑनलाइन विपणन या ब्रांडिंग तक सीमित है तथा अन्य अभियान समन्वित नहीं है। पर्यटक सूचना केंद्रों के प्रबंधन में समस्याएं, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आसानी से जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। फिर कौशल, पर्यटन और अतिथि क्षेत्र के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की संख्या में कमी आगंतुकों को विश्व स्तरीय अतिथि का अनुभव देने हेतु एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सीमित संख्या में बहुभाषी प्रशिक्षित मार्गदर्शिकाएं, सीमित स्थानीय जागरूकता और पर्यटकों की वृद्धि से जुड़े लाभों, जिम्मेदारियों का समझ का अभाव इस क्षेत्र की वृद्धि में बाधक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरकारी पहलें क्या हुई उन्हें भी याद कर लेते हैं। भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग में देश की क्षमता को महत्व दिया तथा भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए। भारत के पर्यटक और अतिथि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा योजनाबद्ध कुछ प्रमुख पहलें की गई जो इस प्रकार है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की 12 साइटों, प्रतिष्ठित साइटों सहित के लिए ऑडियो ऑडिगोस नामक ऑडियो गाइड सुविधा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, दूसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 2022 तक भारत के 15 घरेलू पर्यटक स्थलों का दौरा करने का आग्रह किया है। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया है। यह 182 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया में सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है। इससे देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने, भारत को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने की उम्मीद है। अगला है, भारत सरकार 2020 तक दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 1% हिस्सा और 2025 तक 2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए काम कर रही है। बजट 2019-20 के तहत सरकार ने पर्यटकों के लिए टैक्स रिफंड की शुरुआत की, जैसे सिंगापुर जैसे देशों में पर्यटकों को भारत में अधिक खर्च करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। बजट 2019-20 के तहत सरकार ने स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटक सर्किट के विकास के लिए 1160 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय बजट 2019-20 के तहत पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 82.27 मिलियन डॉलर का आवंटन किया है। सितंबर 2019 में जापान, ताइवान, कोरिया के साथ एशियाई देशों के एक समूह में शामिल हो गया, जिसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन बाजार में प्रवेश करना है। अब बात करते हैं उपलब्धियों के बारे में। 2019-20 में क्या उपलब्धियां हुई हैं उन्हें भी देख लेते हैं। 2019-20 के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के तहत नई परियोजनाओं के लिए 1854.67 करोड़ अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन विकास और संवर्धन के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों को 1456 करोड़ रुपए हेतु 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टेट ऑफ यूनिटी के रूप में भी जाना जाता है, का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया। नवंबर 2019 तक कुल राजस्व का 82.51 करोड़ रुपए था।
आगे का रास्ता क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। भारत की यात्रा और पर्यटन उद्योग में विकास की भारी संभावनाएं। पर्यटन उद्योग भी ई वीजा योजना के विस्तार की उम्मीद कर रहा है, जिससे भारत में पर्यटकों की आमद दुगनी हो जाएगी आमदनी। ठीक है, एसोचैम और यस बैंक द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत की यात्रा और पर्यटन उद्योग में उच्च बजटीय आवंटन और कम लागत वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2.5% का विस्तार करने की क्षमता है। इसके साथ में कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे में और सुधार करके भारतीय पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। तो चलिए, था आपका पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित जो तथ्य थे आपके, जो क्वेश्चन थे, उन सभी के आंसर्स हो गए। ठीक।